हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे रिदमिक रायम बुक में से एक हमारी इंग्लिश रायम जो है हमारी पेज नंबर 52 पे। ये रायम हमारी कौन सी है? ये रायम है हमारी काउंट 1 2 3। ये रायम हमारी नंबर्स पे बेस्ड है। इस रायम में हमें क्या क्या मिलेगा? इसमें हमें मिलेंगे रैबिट्स, कैमल, मंकीज एंड एलिफेंट। कौन कौन मिलेगा इस राइम में हमें? रैबिट्स यानी खरगोश, कैमल यानी कि ऊंट, मंकीज यानी बंदर, एलिफेंट यानी हाथी, हमारे हाथी राजा। तो चलो हम देखते हैं कि ये सारे एनिमल्स हमें क्या सिखा रहे हैं। तो ये हमें क्या बता रहे हैं? रैबिट्स रैबिट्स 1 2 3 Will you come and play with me? Rabbits, rabbits, 1 2 3. Will you come and play with me? Camels, camels, 4 5 6. Why do you have a hump like this? Monkeys, monkeys, 7 8 9. Will you teach me how to climb? When you have counted up to 10, the elephant says, "Now start again." 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. तो इस पोएम में हमें एलिफेंट क्या बोल रहा है कि ये पोएम हमको वापस से स्टार्ट करनी है। तो चलो वापस से स्टार्ट करें। रैबिट्स रैबिट्स 1 2 3. Will you come and play with me? Rabbits, rabbits, 1 2 3. Will you come and play with me? Camels, camels, 4 5 6. Why do you have a hump like this? Monkeys, monkeys, 7 8 9. Will you teach me how to climb? When you have counted up to 10, The elephant says, "Now start again." तो ये पोएम में, इस राइम में हमने क्या सीखा? हमने सीखा 1 से 10 की काउंटिंग, और क्या सीखा कि रैबिट्स जो है, रैबिट्स इधर उधर घूम घूम के खेलते कूदते हैं। कैमल्स जो है उनकी एक ऊंची हम्प होती है। मंकीज जो है वो बहुत अच्छे से ट्रीज को क्लाइंब कर सकते हैं। एंड एलिफेंट यहाँ पे क्या कर रहा है? एलिफेंट हमें गाइड कर रहा है ना। तो आप भी ये राइम को पढ़ेंगे, इसको अच्छे से याद करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट राइम में। ओके, बाय।